centre of the court. And then waiting for that shorter lift from Alakcha to finish it off. Time to play Tendulkar. Sachin. अरे नहीं रे, अर्जुन को भी दो, मेरे को देखना है भाई अर्जुन को. हम लोग पेटिशन स्टार्ट करें क्या एक भाई, हम लोग करें क्या, हाँ हैशटैग एक स्टार्ट करें, हम लोग हैशटैग स्टार्ट करते, कोशिश करते फैलाने का. उनका हैशटैग फैलाने के बाद में तो बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे भाई वो. अरे तो क्या हुआ, करना तो चाहिए ना, अभी तो बात ही नहीं हो रही उस बात की. अरे क्यों नहीं, क्यों मतलब क्यों करवाना है, लेकिन मेरे को देखना है. हाँ, वो तो अलग है वो, क्योंकि नहीं है उतना मेरे को बेटर प्लेयर ही नहीं है वो. तो खरीदते क्यों है, क्योंकि एमआई है वो, सीधा मतलब? है बात. अरे एमआई है, तेंदुलकर के रिलेशंस है सीधा, ये इससे बड़ा कोई मतलब रीजन नहीं है. नेपोटिज्म की वजह से. एब्सोल्युटली यही पूछ रहा हूं. इससे इतने बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको भाई, इसको सैयद मुश्ताक में खिलाया है इसके लिए क्योंकि एमआई के लिए क्वालिफाई कर सके. कुछ रीजन ही नहीं है इसका. पर इसलिए तो मुझे, अरे इतना बुरा चीज है यार, पर मुझे यही तो दुनिया को देखना है मेरे को. वो तो सबको अनसेड है. मुंबई इंडियंस के फैंस भी मुंह उठा के बोल नहीं सकते कि हमने अर्जुन तेंदुलकर को मेरिट पे खरीदा है. ठीक है, बट अगर ये तो भाई एब्सोल्युटली नेपोटिज्म, अगर हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म को गाली देते हैं, अगर इधर उधर रो रहे हैं तो इसके लिए भी रोना चाहिए. गाली देते हैं और यहाँ पर आंख बंद करके हर साल, हर साल 10 लाख ज्यादा बड़ा के लिए. इस बार भी जाता ही, वो तो आशीष नेहरा ने दिखाया सबको, ये देखो ये देखो ये हो रहा है पे तुम्हारे. अरे पूरे पूरे ऑक्शन में कैसा तुम्हारा आखिरी आखिरी नाम अर्जुन तेंदुलकर का आता है, और जहीर खान बेशर्मी से हाथ ये पैडल खड़ा करता है. कंप्लीटली अग्री, मुंबई इंडियंस जब ये काउंटर आर्गुमेंट देते हैं, अरे प्राइवेट लीग है, प्राइवेट टीम है, उनकी मर्जी किसको भी ले. एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली अग्री. फिर कोई भी मूवी जो प्रोड्यूसर है वो उसका प्राइवेट है भाई, बिल्कुल प्राइवेट, सब प्राइवेट है, उसका पैसा अपना लगा है वो अपने बेटे पे लगा है. इसकी कोई बच्चा जो बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, बचपन से उसकी इच्छा है क्रिकेट एक इंटरनेशनल स्टेज पे खेलने की, एक बच्चा जो धूप में बचपन से टैन होके अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस करके दूसरे करियर कहीं और नहीं बनाया, इस चीज में मेहनत कर रहा है, आज उसकी जगह खा रहा है अर्जुन तेंदुलकर. खाया है ना, खाया है, पूरा खाया है, 2 साल से खा रहा है. और हम लोग ना इतने, मतलब हम इंडियंस इन दैट पॉइंट की इतना ज्यादा यू नो अथॉरिटी. अरे सचिन को प्यार करते सब करते हैं, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, उसमें कोई नहीं है. इसके लिए कोई रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, उसके बेटे को ना मना कर दो कि नहीं खिला रहे हैं, बट इट इज जस्ट अमेजिंग. मतलब और सब चुप है भाई, सब चुप है, कोई बात नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता. प्राइवेट लीग है इसका मतलब, चलो ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज इट्स नॉट माय टीम आई एम नॉट अफेक्टेड, बट बोल रहा था एक प्लेयर की, कैसा ये प्लान नहीं है भाई. आखिरी प्लेयर कैसे निकलता है ऑक्शन में अर्जुन तेंदुलकर, जो तुम्हारे पहले ऐसी टीम बनाई है, आपने ऐसी टीम बनाई है जो 9 में से 8 गेम हारती है, और आपको आखिरी एक प्लेयर चाहिए था, एंड यू गो फॉर समबडी. अब किसी और को लेते हैं जो आपको, देख भाई तिलक वर्मा, तिलक वर्मा बनाया हुआ, मतलब मैं हम जस्ट सेइंग कि यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी मिले ना अगर ढंग के, क्या किसको पता था इतना इंपॉर्टेंट रहेगा तिलक वर्मा. एग्जैक्टली, तो और ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुई कि अरे हम तिलक वर्मा जैसे लोगों को भी तो बनाते हैं. ये क्या बात हुई भाई, जिसके पास टैलेंट होता है वो ही बनेगा. अगर खराब प्लेयर है और एमआई में आएगा तो वो कोई एमआई का ये नहीं है, एमआई की उससे अच्छा नहीं बन जाएगा, एमआई की वजह से कुछ अच्छा नहीं बनने वाला प्लेयर बनता है, अच्छा अपनी वजह से ही बनता है. धूप में तो अर्जुन भी आया, ऐसे तो राजस्थान रॉयल्स ने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दी, किस किस को, केकेआर ने किस किस को दिए, सारी इंडियन टीम उनकी बदौलत है आज. एब्सोल्युटली भाई, ये तो मतलब कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि अर्जुन तेंदुलकर उसके टैलेंट पे है मुंबई इंडियंस टीम. धूप में अच्छा, धूप में एक चीज बोली है मैंने, उसका मतलब काउंटर एक ही आया कि धूप में अर्जुन भी रहा, मतलब टाइगर पर मैच के बाद बाकी लोग पर बार बाकी लोग, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग भी धूप में, उससे ज्यादा और किसी ने ले लिए मुंबई में. अच्छा तो ये मुंबई इंडियन मुंबई के लिए ऑप्शन था क्या, मुंबई के प्लेयर्स के लिए ऑप्शन था क्या, तू मेरे को ये बात बता. तो ये तो हैदराबाद से लेके आए तिलक, इसके पहले वाले में सईद है या नहीं है, इनएविटेबल इज डिफरेंट, दैट इज नॉट है ना, बस एग्जैक्टली मैनेजमेंट कोटा, यस मैनेजमेंट कोटा, दैट इज मैनेजमेंट कोटा, बट यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, किसी और की अपॉर्चुनिटी तो खा रहे हो ना. और मैं एक मिनट, अर्जुन तेंदुलकर भी धूप में खड़ा है, पर
जो दूसरा उसके साथ धूप में खड़ा है, उसके बाद खड़ा होकर लोकल ट्रेन में घर में वापस गया, अर्जुन तेंदुलकर बेंटली में बैठ के फरारी में बैठ के वापस गया घर। चलो यार वो तो चलो उसकी लग्जरी है, वो उसकी बात है। मैं ये बोल रहा हूँ पिछले साल जब वो सैयद मुश्ताक उसको 4 मैचेस या 3 मैचेस खिलाया था, जब वो पहली बार 20 लाख में लिया गया था उसको, उस टाइम में कुछ परफॉर्म नहीं किया था भाई वो। वी हैव सीन हिम प्लेइंग एज वेल, इज अ पैथेटिक फील्डर एज वेल। खिलाओ ना उसको, खिलाओ इतना अच्छा खिलाओ, खिलाओ एक बार नहीं 3 साल से ले रहे हो भाई, 3 साल हो गए बंदे को। बट तो गाली दो ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, नहीं हर टीम का, तो हर टीम को गाली दो, तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ मुंबई को बचाने के लिए। नहीं अरे तो दो गाली ना, सबको टारगेट करो, टारगेट करो ये। तो अभी किसकी बात कर रही है, अभी तो किसी और का बात कर, चैट पे बात करेंगे तो करना, चैट पे लिखना बस। तो हम तो अरे दिया मतलब बहुत सारे प्लेयर्स दिए जडेजा ने इंडियन, संजू सैमसन कहां से आया, संजू सैमसन कहां से आया, अरे दिल्ली में बना, उसके बाद राजस्थान में भी तो खेला है। अरे यार देखो ये पावर, देखो ये अर्जुन तेंदुलकर की बात आई है, इसका मतलब आउट, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी सबको मैं डिफेंड कर रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है बस। एग्जैक्टली बाकी नहीं बोल रहा था मैं, राजस्थान वाला। एक मिनट तू पूरी बात सुना कर, राजस्थान एक मिनट, यहाँ पे आके बात करनी है तो कर, उस दिन तो मैच के बाद बात करेंगे। तेंदुलकर का बेटा इसलिए, ये नहीं है, तू नहीं मानता इस चीज को। अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तेंदुलकर की बात कर अभी, अर्जुन तेंदुलकर की, बाकी की बाद में मैं भी करूंगा तेरे साथ। अरे इसकी बात तो उसकी बात कर, आराम आराम जाते जाते बोल रहे तेंदुलकर बैठे, तेंदुलकर की बाद में बात कर रहे हैं, और जो भी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ईशान किशन को हाँ भाई, लेकिन स्क्वाड में भी एक जगह खा रहा है ना भाई किसी की। चल भाई ईशान, ईशान आउट हो गया 45-29। Anyway, can we put a poll? Does Arjun Tendulkar deserve to be in the MI squad? My point of view, nepotism is fine until the person is talented in their respective yes, field. Yes, at least fine bhi nahi hai, but nepotism is not fine. When you're saying it's fine, it happens. I agree it happens. But in an ideal world, we are not living in an ideal, but this is not the correct thing because ab kha rahe ho kisi aur ki jagah, bhai. He is not playing, so stop the debate. They are using him as a net bowler, just like England used as net bowlers. मेरे को बनाओ net bowler. भाई मैं भी कर लूँगा net bowling. हाँ बहुत सारे लोग हैं, ऋषिकेश बैठा उससे अच्छे talented है तेंदुलकर से, उसको करो. राशिद खान is very quick. प्रणव खत्री, what's up प्रणव? My point of view, जब MI वाले 2 मिनट नहीं लगाते अर्जुन को ऑक्शन में लेने के लिए, तो मैच में खिलाने के लिए शर्म चली जाएगी. भाई कम से कम दुनिया को दिखाओ कि क्या टैलेंट है इसमें, क्या 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 टैलेंट दिखाओ ना भाई, मैं तो देखना चाहता हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ खिलाओ। अब तुम टूर्नामेंट के बाहर हो चुके हो ना। अरे ठीक है भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्षितिज भाई जाने दो, जाने दो, हो गया गरम, गरम गरम हो गया, ऐसे होता रहता है ब्रो, ऐसा कोई यार आज रिपब्लिक वर्ल्ड की वाइब्स आ रही है। अरे यार इसे मत बोलो यार, आर यू श्योर? अर्जुन रिपब्लिक वुड सपोर्ट अर्जुन तेंदुलकर प्लेइंग फॉर MI, हम लोग उल्टा कर रहे हैं। जस्ट चिल, स्टूडियो को ठंडा करो।